नमस्कार, आज की एक नई वीडियो के साथ आप सभी को मेरे चैनल संजू सोम किचन में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं स्वीट पटाटो टिक्की, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 350 ग्राम की करीब शक्करकंदी लिया है। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। अब हम प्रेशर कुकर में शक्करकंदी डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। अब हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर लिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम में चढ़ा लेंगे और प्रेशर कुकर से 2 सीटी आने तक हम वेट करेंगे। 2 सीटी आ चुका था और प्रेशर कुकर से गैस भी निकल गया है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल के इसको चेक कर लेते हैं। यह अच्छे से बॉइल्ड हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसका छिलका निकाल के इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। यहाँ पर शक्करकंदी को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ये 1/3 कप ऑफ कॉर्नफ्लोर है, इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच के करीब भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे हम। 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। अब हम इसमें दरदरा कुटी हुई मूंगफली डाल देंगे। ये भुनी हुई मूंगफली है, इसको हमने दरदरा कूट लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। यहाँ पे 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है। ये मैंने अनारदाना लिया है। अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 3 से 4 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और ये धनिया पत्ता। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पे सभी चीजों को अच्छे से मिला के एक अच्छा सा डो बना लिया है। अब हम थोड़ा सा अपने हाथ में तेल ग्रीस कर लेंगे और इस डो में से थोड़ा थोड़ा लेके एक टिक्की का शेप दे देंगे। अब हम इसको एक प्लेट में रख लेते हैं। ऐसे करके हम और टिक्कियां बना लेते हैं। मुझे जितना टिक्की चाहिए था मैंने यहाँ पे उतना टिक्की बना लिया है। अब हम इन टिक्कियों को सेलो फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने गैस ऑन करके फ्राई पैन गरम कर लिया है। पैन हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डालेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें टिक्कियां रख देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। हमें मीडियम फ्लेम में ही टिक्कियों को सेक लेना है। जब नीचे वाला पोर्शन टिक्की का अच्छे से सिक जाएगा हम उसको पलट देंगे। अब हम इसको पलट देते हैं। हमें बड़े ध्यान से ही टिक्कियों को पलटना है। अब हम टिक्की की दूसरे साइड्स को भी अच्छे से सेक लेते हैं। अब हम टिक्कियों को पलट देते हैं।
ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब हम टिक्कियों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी करके हमें बाकी बची हुई टिक्कियों को भी सेक लेना है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारा गर्मा गर्म स्वीट पोटैटो टिक्की बनके रेडी हो गया है। आप इसको एक बार घर में बना के जरूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है।